खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर ठंड बढ़ेगी, ये बड़ी खबर है। रात के तापमान में गिरावट होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 से 20 डिग्री बना हुआ है। दिन का पारा 30 से 35 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। पचमढ़ी, शाजापुर, राजगढ़ में भी रात का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर अब शुरू हो चुका है। तापमान की तपिश के बाद अब ठंडा घुलती हुई नजर आ रही है। ठंड का असर दिखाई दे रहा है। लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है। तो मौसम में ठंडक घुल गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। उधर छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पारा जो है हाई होता जा रहा है, तापमान में लगातार गिरावट हो रही, ठंड बढ़ रही है। राजधानी भोपाल से संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रायपुर से करिश्मा सोनी भी हमें जानकारी देंगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज क्या है। करिश्मा, छत्तीसगढ़ के भीतर क्या स्थिति है मौसम को लेकर? लगातार हम देख रहे थे कल परसों के भीतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तो ठंडक थी, ठिठुरन थी, लेकिन रायपुर में तापमान की तपिश कई इलाकों में दिखाई दे रही थी। फिलहाल आज के मौसम को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी करिश्मा? जी बिल्कुल सोनू, देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो है अब जल्द ही ठंड एंटर करने वाली है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने भी कहा था कि 15 तारीख के बाद से जो है कहीं ना कहीं अब बड़ी गिरावट यहां पर तापमान में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कई संभागों में अभी से ही देखा जा रहा है कि ठिठुरन भरी जो ठंड है वो पड़ने लगी है, खासतौर पर सरगुजा संभाग में, क्योंकि सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा इलाका है, जिसे मैन पार्ट यानी मिनी शिमला भी कहा जाता है और वहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। साथ ही अंबिकापुर में भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो पूरा सरगुजा जो है वो कहीं ना कहीं सफेद परत से हमें ढका हुआ नजर आता है ठंडी के मौसम में। और अब देखा जा सकता है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जो है ठंड का एहसास अब होना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि जो तापमान है रात में उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन अगले दिन फिर से देखा जाता है कि तपती धूप जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सताने लगी है। लोगों को केवल इंतजार है तो ठंड का, क्योंकि जितनी भी चीजें ठंड में इस्तेमाल की जाती है, स्वेटर, कंबल, साथ ही में स्वेटशर्ट्स, वो सभी जो है अपनी अलमारियों से निकाल कर रख चुके हैं। लेकिन अभी तक ठंड जो है राजधानी रायपुर में उतनी महसूस नहीं की जाती, केवल रात में देखा जाता है कि बीती रात या आधी रात की अगर बात की जाए तो ठंड का एहसास होता है। वहीं सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह देखा जा सकता है कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गुलाबी ठंड का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ भी देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है फिर से जो है तपती धूप निकलती है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को काफी ज्यादा जो है राहत अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जल्द ही मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख के बाद से यानी कल के बाद से देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में ठंड जो है वो शुरू होने वाली। वहीं राजधानी रायपुर की बात की जाए तो हर साल की तरह जो है कहीं ना कहीं उतनी ठंड नहीं पड़ती है, और हर साल देखा जाता है कि जितनी ठंड पिछले वर्ष पड़ती है उतनी ठंड जो है अगले साल नहीं पड़ती, तो इस साल भी वैसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि जल्द ही ठंड जो है वो अपने पैर पसारने वाली है और लोग जो है घरों के बाहर हमें देखने को मिलेंगे लकड़ी जला करके आंख तापते हुए, और कहीं ना कहीं ठंडी का मजा जो है छत्तीसगढ़ के लोग जल्द ही लेने वाले हैं। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में ठंड का जो असर है वो आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। रंजन, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? पचमढ़ी में तापमान की जो गिरावट है, ठंडक बढ़ा रही है, प्रदेश के अलग अलग जिलों को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल सोनू, देखिए अगर मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो यहाँ पर आए दिन जो है वो बदलाव देखे जा रहे हैं। दिन के टेम्परेचर की बात करें तो दिन का टेम्परेचर जो है यहाँ 30 से 35 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वही अगर हम बात करें रात के 12 बजे के बाद जो है टेम्परेचर में लगातार जो है वो गिरावट देखी जा रही है। रात का टेम्परेचर जो है राजधानी भोपाल में लगभग
14 से 15 डिग्री के आसपास रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे प्रदेश भर में, तो प्रदेश भर में सबसे ठंडक स्थानों की बात करें तो पंचमढ़ी में जो है लगभग 10 डिग्री के आसपास जो है सेल्सियस दर्ज किया गया है, और पंचमढ़ी जो है अभी प्रदेश का सबसे ठंड स्थान रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल के अलावा आसपास के जो जिले हैं, विदिशा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, इन संभागों में भी जो है लगातार जो है वो ठंड बढ़ रही है। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद जो है ठंडक और भी बढ़ेगी, और इसको लेकर के तमाम सारे गाइडलाइंस जो है वो मौसम विभाग के तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के भी तरफ से जारी किए गए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो कई सारी बीमारियाँ जो है वो भी दस्तक दे रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी जो है उसका अमला भी अलर्ट है। इसके अलावा मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 3 से 4 दिनों के बाद जो है टेम्परेचर में और भी गिरावट देखी जाएगी, इसको लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी के अलावा कुछ इलाकों में जो है बारिश की भी संभावनाएं जो है वो भी बताई गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो 2 से 3 दिनों के भीतर जो है प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो बारिश भी हो सकती है, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठंड को लेकर के तमाम सारे दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, और प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में तमाम सारे इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं, अलग अलग स्तरों पर जो है वो तैयारियां की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक अनुमान बताया गया है कि 10 डिग्री के आसपास जो है आने वाले 5 से 6 दिनों बिल्कुल रंजन, तो आगामी दिनों में हम देखेंगे कि कोहरे का पहरा भी घना होगा, बारिश की बूंदें भी ठंडक बढ़ाएंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।